क्वेश्चन फाइव ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्या है? एक आयताकार बगीचा है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। उस आयताकार बगीचे की जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपको उस बगीचे के आयामों का पता लगाना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको इसके 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। क्या समीकरण बनेगा? फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, हम मान लेते हैं जो चीजें हमें पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं। माना कि गार्डन की लंबाई जो है वो एक्स मीटर है, लेंथ बराबर एक्स मीटर, और चौड़ाई जो उसकी है विड्थ जिसको बोलते हैं वो है वाई मीटर। इसमें दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर है, तो अक्ष क्या हुआ, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, 4 मीटर अधिक है इसलिए वाई प्लस 4 हो गया, और वाई का तो हमें पता नहीं है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, 36 मीटर, 36 मीटर क्या है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर यानी जो चारों इसकी दिशाएं होती है उसका, ये रेक्टेंगुलर है, चारों दिशाओं का, चारों साइड का योग होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ये कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ मोटर दो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब दो साइड मतलब क्या हुआ, ये होगी आपकी लंबाई और ये हुई आपकी चौड़ाई, यानी x प्लस वाई। तो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर कितना हुआ, 36 मीटर, ये इसमें दिया हुआ है। इसको सरल करेंगे तो ये क्या होगा, अगर हम इसको यू करें कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको आधार मानते हुए हम जो है इसके इस इक्वेशन से x और y के अलग अलग पॉइंट्स ज्ञात करेंगे, कौन से पॉइंट्स के ऊपर इनके रेखाएं आएगी, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक ज्ञात करेंगे ताकि हम इसके अंदर दर्शा सकें। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू, अगर आप कुछ भी मान लीजिए, देखिए ये दोनों मिला के 36 है, इसका मतलब हमको मानना पड़ेगा 36 के अंदर अंदर दोनों का योग होना चाहिए। तो हम उसको मान लेंगे, मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू अगर 10 हो, एक्स जो है वो 10 है, तो y और प्लस 10 एक्स है, ठीक है, y प्लस 4 को मिलाएंगे तो x होगा, इसका मतलब y कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो 10 और 6 को y 6 है, तो 6 में y मतलब 6, इसमें 4 मिलाएगा 10, तो x हो गया, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बन गया, x इक्वल टू 10 तो y बराबर 6। अगर x की वैल्यू आप 12 रखो तो y कितना हो जाएगा, ये 2 बढ़ गई इधर, तो इधर ये 2 बढ़ जाएगी, हमारे वाई बराबर 8 हो जाएगा, क्यों कि 4 का अंतर है दोनों में, x से y जो है 4 कम है, और x की वैल्यू मान लीजिए 20 हो तो y कितनी हो जाएगी, 4 कम यानी 16, ये हो गया आपका। अब देखिए आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 10 6, ये बना 10 6। अब 10 6 कहां है, देखिए यहां पर इसको मान लेते हैं, हमारे पास में ये 20 तक जाएंगे, इसका मतलब 2 का 1 मान लेते हैं हम, ये जो 1 है ना इसको हम 2 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, पैमाना इस तरह से करना पड़ेगा हमको तो भी कम रहेगा। आप ऐसा कीजिए कि ये 1 पॉइंट है, इसको 4 मान लीजिए, ये जो है ये 4, ये कितना है 8 है, ये कितना है 12 है, और ये 16, इस तरह से ये 20 है ग्राफ के अंदर। तो देखिए अक्ष का 10 है, तो यहां 10 का मतलब जो है ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8, और ये 12, तो 8 और 12 के बीच में 10 है, यानी 2 यहां आएगा। अक्ष की वैल्यू 10, तो वाई की 6 का आएगी, ये 4 है और ये 8 है, दोनों के बीच में 6, यानी कि ये आपका यहां आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या है, इधर से आ गया आपका 10, इधर से आ गया 6, यानी हम इसको बोलेंगे ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ 10 6, ये वाला। दूसरा कितना है 12 8, यानी अक्ष पर 12 मतलब ये यहां पर है, ठीक है, 12 यहां पर है, और 16 कहां पर है, इधर 8 किधर है, ये यहां पर है,
ये तो हो गया आपका आठ, ये चार, तो आठ यहां और बारह, और आठ का ये कहां मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 8। और तीसरा क्या है 20 16, तो 20 मतलब यहां पर क्या आएगा 12 के बाद में ये 16 और ये 20 यानी पांच वाला, तो ये आपका आ गया 20, ये 20 आ गया। और इधर कितना है 16, 16 कहां आएगा, ये 16, तो 20 और 16 यानी यहां पर ये पॉइंट आएगा, ये 16 और ये 20। अब आप इनको मिला दीजिए, ये रेखा बन गई है आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका 20 16, ये तो आपका समीकरण हो गया। कौन सा, इस समीकरण का नाम है x बराबर y प्लस 4, ये वाला, ठीक है, x बराबर y प्लस 4। ये जो आपका इक्वेशन है इसको तो हमने इस ग्राफ के अंदर दिखा दिया। दूसरा इक्वेशन है x प्लस y बराबर 36, ठीक है, x प्लस y बराबर 36, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों को मिलाते हैं 36 है। अब मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, 20 रखते हैं, तो वाई कितना होगा, 30 में से 20 घटाएंगे 16। अगर हम एक्स की वैल्यू 24 रखते हैं तो वाई की कितनी होगी, 36 में से 24 घटाया यानी 12। क्यों, एक्स और वाई दोनों मिला के 36 होते हैं। ये सेकेंड समीकरण है आपका, ये वाला आपका फर्स्ट था, ठीक है। और एक्स की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं तो y कितनी होगी, 36 में से 12 घटाया तो 24, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 20 16, ये क्या हुआ 20 16, x 24, y 12, x 12 तो y 24। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपको यहां पर दिखाना है, कैसे करोगे, x 20, ठीक है, x 20 कहां है, ये 20 है यहां 5 पे, अगर x 20 है तो y 16, तो ये आपका यही आ गया 20 और 16, तो यहां आ गया 24 और 12 कहां आएगा, 24 मतलब ये यहां आएगा, हम चार चार के बनाए ना ये, तो 6 4 24, तो ये 24 तो आता आपका यहां आया x, और इधर आएगा 12, ये 12, ठीक है, तो 24 और 12 मतलब ये आ गया, ये जो आपका आया पॉइंट, ये पॉइंट जो आया ये आया 24 12, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट मिल गए। उसके बाद क्या है, 12 और 24 यहां 12, एक्स में 12, तो 12 कहां है, ये, ओके, और 24 कहां है, 24 है यहां, यानी ये आपका आएगा, ये 3 वाला यानी 12 और 24 यानी यहां पर आएगा, ये आपका पॉइंट आ गया यहां, तो ये हो गया आपका 12 और 24 वाला निर्देशांक, इसको भी आपसे बता दो। तो ये आपका लाइनें बन गई, इसको लंबी आप खींच सकते हो, अगर आपके पॉइंट्स को और बढ़ाते जाओगे नीचे, इसको भी बढ़ाते जाओगे, एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, 24 कर दो, 30 कर दो, 36 कर दो, इधर भी आप जो है बढ़ाते जाओ, तो आपकी लाइनें जो है ये और लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सीधी लाइनें रहेगी एकदम, आप अपने स्केल से खींच सकते हैं, यानी ये जो पॉइंट है और यहां पर ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, 20 16, 20 और 16 यानी x बराबर 20 और y बराबर 16, ये वाला पॉइंट है जहां पर ये कट हो रही है। तो इससे इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर 20 और y बराबर 16। पूछा क्या है, बगीचे के आयामों का पता लगा, यानी बगीचे की जो साइड्स है, डाइमेंशंस है, उसका पता लग रहा है। हमने माना था कि x की वैल्यू लेंथ x है और विड्थ 12 है, तो विड्थ 12 है तो x जो है यानी कि लंबाई इसकी जो है ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये हो गई आपकी विड्थ या विड्थ, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस प्रकार से, समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर भी इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी पोज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अंदर जो है हमने मान हमने दूसरे लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना ही मान ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। आपका जो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से करेगा, बढ़ेगा और 16 और 20 के ऊपर कटेगा। ये फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर 8.16 20, हेंस द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 16 एंड लेंथ इज 20।
क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।